तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी जब हम यहाँ पहुँचे थे गंगोत्री में, और रास्ता इधर से ही है, वहाँ पर बस स्टैंड है, आगे थोड़ी दूर 200-300 मीटर जाएंगे और यहाँ एक होटल में हम लोग रुके हुए हैं। रूम दिखा दूँ, बहुत बेसिक रूम है यहाँ पे, ये होटल है हमारा और ये बेसिक रूम है यहाँ पे, ऐसे 3 बेड वाले ले लिए था हमने। और यहाँ से नज़ारे देखिए ज़रा, या आप होटल की बालकनी से ही ऐसे दिख जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ आपको दिखेगा नहीं ऐसे कैमरे में क्योंकि छोटा है, और सामने बहुत सारे यात्री जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, रास्ता यही है जाने का। आगे जाके मंदिर भी दिखाएंगे, रात को शूट नहीं कर पाए थे, कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी, काफ़ी रास्ते में बहुत सारी शूटिंग हो गई थी। तो आज दोस्तों वहीं चलना है, माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर अगल बगल जो भी स्पॉट है यहाँ पे गंगोत्री में खास करके वो हम आपको दिखाएंगे। कि मैं हूँ, मैंने स्नान कर लिया है सवेरे के, अभी 6:30-7 बज रहे होंगे और धूप निकल रही है, ठंडी टेम्परेचर में बताओ तो 3 डिग्री था, मैंने अपने मोबाइल में चेक करा था तो 3 डिग्री काफ़ी कम होता है वैसे, बट ये था गीजर था लगा हुआ तो नहा लिया हमने जोश जोश में। और बहुत सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल जेन्युइन रेट में, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ ज़्यादा प्राइस डिमांड की जाएगी, तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर जगह है ये, मैं आपको आगे चल के सब दिखाऊँगा कैसे क्या है। तो ये पहले ये बस स्टैंड हुआ करता था ये सारा, अभी बस स्टैंड यहाँ नहीं करके आगे बना दिया है वहाँ पे, और अभी हम नीचे जाके आपको जो आश्रम है वो सारा दिखाएंगे आपको, नदी क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। और ये यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आपको दिखाऊं, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत है, सोचिए गंगोत्री खुद इतनी ऊंचाई पे, उसके बावजूद भी आप देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, बहुत ऊंचे ऊंचे, कैमरे में थोड़ा ऐसे ही दिख रहा होगा। ये रास्ता है माता रानी के मंदिर जाने का, और यहाँ थोड़ी सांस फूलती है, ये नॉर्मल है यहाँ पे, और यहाँ से आप ऊपर ऊपर जो रास्ता देख रहे हैं आप, ऊपर एक रास्ता बना हुआ वो गौमुख जाता है सीधे, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की ट्रेकिंग है, आप चीरबासा भोजबासा होते हुए आप गौमुख पहुँचोगे, और गौमुख से ऊपर तपोवन पड़ता है। अगर आपको तपोवन भी जाना है तो कम से कम 2 दिन आपको ऊपर ही ग्लेशियर्स में रहने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके जाइएगा, हम तो नहीं जा रहे हैं। तो आपको पहले मैं दिखाऊँ, यहाँ से सूर्यकुंड पांडव गुफा है यहाँ पर, और नदी क्रॉस करने की जगह है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये वो लिखा हुआ है, सूर्यकुंड है पांडव गुफा। जब यहाँ सीढ़ियों से आप आ जाते हैं तो यहाँ भी खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं जब 8 साल पहले आया था तब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये ब्रिज था और ब्रिज से हमें क्रॉस करना था, वो सामने रास्ता जा रहा है वहीं से अब हम लोग नीचे की तरफ जाएँगे और गंगा जी का ब्रिज क्रॉस करेंगे। पुलिस चौकी में मैंने पूछा यहाँ पर कि क्या सर इस एरिया में ड्रोन उड़ा सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे देखिए छुप छुपा के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अच्छा है कि आप लीगल काम करें क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव है, बॉर्डर एरिया है, तो आप यहाँ पे ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमें मना किया, वैसे मैंने पहले पूछ लिया था। तो यहाँ पे सूर्य कुंड है और अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भगवान जी के दर्शन भी होंगे, यहाँ पर देखिए भोले बाबा के का शिवलिंग है यहाँ पर, और एक बाबा वहाँ पे धुनी रमा रहे हैं अपना, और ये मंदिर है, ऐसे जंगलों में ऐसे छुपे छुपे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें और बाकियों को नहीं पता है। यहाँ पे ऐसे कुछ बाबा लोग जो समाधि बन गए हैं वो भी है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि लोग रहते हैं जो जिनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, वो ऐसे ही अपना कुटिया बना के रहते हैं, ऐसे कुटिया बना के रहते हैं। और ये देखिए अब मैं गंगा जी के ब्रिज पे आ गया हूँ और आपको कुछ नज़ारे दिखाऊंगा, ये गंगा जी की नज़ारा देखिए कहाँ से बह के ऐसे आ रहा है, और बिल्कुल नीचे ऐसे नीचे की तरफ, कैमरे में बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा बट सीधा नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल नीचे ऐसे ये जा रहा है, और इधर देखिए नदी के इस तरफ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ से ये देखिए
सीधा ऐसे, ये पूरा नदी है जो आंखों से तो दिख रहा है बट ऐसे शायद कैमरे में नहीं आएगा क्योंकि धूप है, गलत दिशा है। और ये गौरीकुंड है, तो गौरीकुंड पहले चलते हैं, माँ गौरी के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम आपको, ये माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है। ये वो स्थान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप जब गंगोत्री आएंगे तब घूमने वाला, ये सब बाकी जो लोकल स्पॉट्स होते हैं हर जगह, ये वो मंदिरों में से एक है। फिलहाल हम चलते हैं गौरीकुंड में, देखते हैं कि क्या है, और यहाँ पे बाबा से अगर कोई बाबा होंगे बताएंगे यहाँ की स्टोरी तो वो भी ज़रूर पूछूँगा। आइए, तो गौरीकुंड का मेन मंदिर मेरे ख्याल से वही है, इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ आगे जाने पर कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से ध्यान में है, और बिल्कुल हिमालय के अंदर बैठे हुए हैं आप देखिए, मतलब पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट ये लोग धुनी रमा रहे हैं और मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा आश्रम एरिया है, बहुत अंदर तक, भीतर भीतर तक लोग, बाबा लोग रहते हैं। ऐसी जगह जो रहेगा अपने आप ही उम्र बढ़ जाएगी, गंगोत्री में ऐसी जगह देखिए। और ये देखिए यहाँ के कुछ नज़ारे हैं, ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे, और मैं इसी रास्ते आया हूँ, और नीचे वो गंगा जी बह रही हैं अपने वेग में, आप उनकी आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ, 2 सेकेंड उनकी आवाज़ सुनिए। एक बाबा वहाँ पे है, मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनसे बाय द वे में पूछ लेता हूँ कि कैसे क्या है। बाकी आइए दर्शन करते हैं, और इसी रास्ते सोचिए पटना तक, यहाँ से पटना और आगे हुबली नदी में जाके गंगा जी मिलती हैं, वहाँ कलकत्ता तक, और बे ऑफ बंगाल में जाके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। सोचिए मैं गंगोत्री में हूँ, यहाँ से गंगा जी स्टार्ट होती हैं गौमुख से, और आगे जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में, सोचिए करीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं गंगा जी यहाँ से। तो आइए पहले दर्शन करता हूँ मैं, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं, सामने भोले बाबा हैं। पंडित जी ने बताया कि गौरीकुंड का रास्ता इधर से, आश्रम देख रहे हैं सब लकड़ियों के मकान बने हुए हैं पुराने पुराने, और ये बहुत अंदर तक लोग रहते हैं। आइए पहले यहाँ चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ गौरीकुंड लिखा हुआ है एक पत्थर पर, रास्ता ये। तो यहाँ बाबा ने बताया कि इधर से आप आ जाइए, रास्ता ये लिखा हुआ है, और आगे रास्ता था नहीं, मैं तभी समझ गया था कि ये हो ना हो गौरीकुंड, जो आप गंगा जी की ये पूरी वो देख रहे हैं, बेल्ट देख रहे हैं, देखिए कहाँ से कितना ज़्यादा पानी बह के आ रहा है। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, यही है शायद गौरीकुंड। आइए, इन्होंने बताया कि आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं, ये यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, उसी के ऊपर चरण बने हुए हैं माता रानी के, तो इसी का नाम गौरीकुंड यहाँ पर है। माता को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और यहाँ से देखिए ये पूरा जो बह के गंगा जी जा रही हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए लहर से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये पूरा एरिया ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। स्वच्छ गंगोत्री, सुंदर गंगोत्री, ये हमें मैसेज देता है कि यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं करनी। आप बाहर से जब आप किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं तो कृपया करके एक प्रार्थना है कि आप गंदगी ना करें। देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ये पूरा गंगोत्री का इलाका देखिए। और यहाँ पे आराम से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, अकेले हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर, कितना स्वच्छ तरीके से, देखिए महादेव हैं यहाँ पे, माँ गंगा को बुला रहे हैं अपनी जटाओं में समाने के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, और वो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सूरज की रोशनी बहुत तेज है, अदरवाइज दिखाता बर्फ़ के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं आपको। और ये गंगा जी देखिए कहाँ से, कितनी ऊंचाई से बह के और नीचे आ रही है वहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ साइड से। तो आइए इन्हीं रास्तों से होके, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, माँ गंगा एक पवित्र संस्कृति सूर्य कुंड। इस कुंड में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं, इसलिए इस स्थान को सूर्य कुंड कहते हैं।
पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा जी को अपनी जटाओं में यहाँ पर थाम लिया था। इस तालाब में एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। शीतकाल में जब पानी कम हो जाता है तो वो अपने आप ही शिवलिंग ऊपर झरने के ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। तो जैसे ही मैं ऊपर आया, यहाँ पे माँ गंगा मंदिर लिखा हुआ है 0.5, भागीरथी शिला 0.5, सूर्य कुंड जो है 0.05, मतलब 50, मुश्किल से 50 मीटर पे होगा। और ये गौरी कुंड भी लिखा हुआ है यहाँ से 100 मीटर की। और पटांगणा पांडु गुफा जो है, पांडव गुफा 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, रास्ता यही है। मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा, दिखाऊँगा। दोस्तों ऐसे जब आप जंगलों में आते हैं, ऐसे पीछे की तरफ सूर्यकुंड की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे आश्रम हैं, देखिए यहाँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहना होता है। फिलहाल हम लोग सूर्यकुंड व्यू पहुँच चुके हैं, ये आप देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है। और मैंने बताया था ना, जैसा कि कोई ऐसा कोई कुंड नहीं है, बट यहाँ पर गंगा जी नीचे धरती को छूती हैं पहली बार। ये देखिए गंगा जी कहाँ से बह के आ रही हैं वहाँ पर, और फोर्स देखिए गंगा जी का। और ये देखिए सामने बिल्कुल झरने का आकार लेते हुए गंगा जी यहाँ पे समाहित होती हैं, धरती पे आती हैं। और यहाँ से गंगा जी आगे 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। तो मैंने आपको दिखाई दिया गंगा जी यहाँ पे बह के नीचे की तरफ गिर रही हैं, और ये पूरा यहाँ का नज़ारा है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी देखिए छोटे छोटे ऐसे आश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे दो चार ऐसे होटल्स भी मिल जाएंगे आपको। इस तरफ होटल तो नहीं है, और ये रास्ता और भी है, आप अगर एकदम से जंगलों के भीतर से जाना चाहते हैं तो वो सब कुछ भी है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत है गंगोत्री चारों धामों में मैं बोलूँगा, मैं चार धाम हो आया हूँ, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, बट उन सब में सबसे जो नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरती है वो गंगोत्री की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे देखिए कितना खूबसूरत है गंगोत्री, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाकई माँ गंगा ये पावन भूमि है, भगवान शिव ने गंगा जी को यहीं पे अपने जटाओं में धारा था, और यही है वो आर्ट गैलरी जो मैं बता रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, योगा आश्रम हैं, बहुत सारे होटल्स आपको दूर से दिख रहे होंगे, तो उस पार होटल्स हैं, इस तरफ आश्रम हैं। अगर जो लोग योगा वोगा सीखना चाहते, ओरिजिनल योगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखा रहे हैं हिमालय के अंदर, वो यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ मैं क्यों रुका हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। वहाँ से उस तरफ से मेन गंगा जी आ रही है उस तरफ से, और यहाँ पे भी एक नदी है जो इधर पहाड़ों से कहीं से आ रही है, काफ़ी बड़ी नदी है ये भी। और ये देखिए आगे जाके सेम गंगा जी के स्ट्रीम में मिल जाती है ऐसे। और यहाँ पे कुछ हट्स भी हैं, समुद्र तल से यहाँ पे ऊँचाई लिखी हुई है 3140 किलोमीटर कैंप है। और आइए चलते हैं आगे। अब ऐसे घूम के जाना होता है, पहले डायरेक्ट ही था उस तरफ जा। तो मेन गंगा जी में कई सारी धाराएं बह के आती हैं, एक धारा ये भी है, जब आप पीछे से सूर्यकुंड की तरफ से आएंगे तो ये भी धारा आपको दिख जाएगी। काफ़ी बड़ी नदी है ये भी, पहाड़ी देखिए कहाँ से बह के आ रही है, और ये ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं और सामने से वहाँ से बह के आ रही है। मैं यहाँ एक ब्रिज पर खड़ा हूँ, और ये देखिए ये स्ट्रीम आगे बह के वही गंगा जी में मिल जाती है। फिलहाल ये रास्ता है जहाँ से हमें चल के वहाँ मेन मंदिर तक पहुँचना है, तो आइए पहले चलते हैं और आगे का वहीं। तो यहाँ पे एक ब्रिज बनी है जिससे आप मेन मंदिर, मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं, किनारे करना होता है। यहाँ पर हिदायत है गवर्नमेंट का कि आप धारा में नहीं जाएंगे, नहीं तो मुख्य धारा के साथ बहते हुए क्या पता आप जाके इलाहाबाद निकले, कुछ पता नहीं है, क्योंकि धारा इतनी तेज़ है यहाँ पे कि दूर से आपको छोटी नदी दिख रही होगी बट इतनी धारा तेज है कि मैं बता नहीं सकता। ये मुख्य गंगा जी का भागीरथी नदी है जो बह के वहाँ ग्लेशियर से, वहाँ देख रहे होंगे दूर में ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे,
भागीरथी 1 2 3 करके ऐसे चोटियों के नाम रखे हुए हैं, और काफ़ी ऊंचाई, मतलब सोचिए गंगोत्री खुद इतनी ऊंचाई पर है, 3140 किलोमीटर, और वहाँ से भी ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत दूर दूर तक, बहुत विशाल विशाल पर्वत दिखते हैं। अभी सूरज की रोशनी है तो इतना साफ नहीं दिखेगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से कुछ फ़ोटो लेने की कोशिश करूँगा, बहुत प्यारे फ़ोटो आते हैं यहाँ से। तो ये है मुख्य मंदिर, यहाँ से रास्ता है ऊपर चढ़ने का, अभी हम लोग इधर से ही जाएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, गंगा जल, और उसके बाद ये और कुछ पीछे का भी नज़ारा देखिए, यहाँ भी कुछ आश्रम से होटल्स ये सब बन रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी आप ठहर सकते हैं, उचित व्यवस्था मिल जाएगी आपको। और ज़्यादा बड़ा नहीं है गंगोत्री, यही है जो कि आपको दिख रहा है कैमरे में, बस इतना ही है। कुछ होटल्स है जहाँ से हम लोग रुके हुए हैं शुरुआत में बस स्टैंड के पास, तो ये पूरा गंगोत्री का जो इलाका है 1.5-2 किलोमीटर के भीतर ही है, ख़त्म हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको गैलन वैलन मिल जाएगा, कुछ प्लास्टिक के आपको पॉट्स मिल जाएंगे जिसमें आप गंगा जल ले के अपने घर जा सकते हैं। मैं भी भरूँगा, 5 लीटर का केन लूँगा मैं भी। और यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी लगी है, इस बार लगभग 2 साल बाद, इस बार 2 साल तक तो कोरोना का काल था तो भीड़ इतनी नहीं थी या लोग आते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं किनारे, फोटोग्राफी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है अभी इस समय में। 2 साल बाद धाम सब खुले हैं यहाँ पे इंडिया में, तो हमारे देश में पता ही है श्रद्धा कितनी है लोगों में, पूजा पाठ के नाम पे कहीं पे भी जाने को तैयार हो जाते हैं लोग बाग। तो आंटी जी आ गई यहाँ पे, सूरज भी मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, और अब हम लोग गंगा जी में यहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा सूर्य भगवान को जल भी देंगे, गंगा माता की पूजा करेंगे, और उसके बाद ऊपर चल के मेन गंगोत्री टेंपल में पूजा करेंगे। देखिए गंगा जी क्या है कि ये मेन रूप में तो गंगा जी यहीं पर हैं, लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं, फिर भागीरथी शिला के भी दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएँगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पर, आइए थोड़ा पूजा वूजा कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर जल का, गंगा जल का छिड़काव कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, और कुछ लोग हिम्मती लोग नहा भी ले रहे हैं। हाँ आंटी जी थोड़ा गंगा जल यहाँ से लेंगी और पूजा करेंगी, हम लोग भी सिमिलरली हम लोग भी पूजा करेंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ इस खूबसूरती के बारे में, यहीं से दिखा रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना खूबसूरत है गंगोत्री, कितना खूबसूरत है। सब लोग यहाँ पे तीर्थ यात्री दूर दूर से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगह से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा दिल्ली से अंकल जी लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। सच बताऊं लाल कलर का हो गया है, इतना ठंडा पानी था, और श्रद्धा देखिए लोगों की कि इसमें वो लोग इस पानी से, इस जल से स्नान कर रहे हैं। देखिए देखिए वहाँ पर इतना ठंडा पानी है भैया, हम तो छिड़क लिए, बस अपने आप को पवित्र मान लिए, हमने कोई पाप नहीं किया है इसलिए। ये सूरज बाबू हैं, माहौल बना रहे हैं, नीचे उतर नहीं रहे हैं, अरे नीचे उतर के दो भैया जल, देखिए इनका पैर कहाँ पर है, नीचे उतरने में डर रहे हैं, एक बार पानी में गए थे वहीं इनकी हालत ख़राब हो गई। अरे जाओ भैया नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा तुम्हारा। ये देखिए बिना उतरे हुए, कभी ऐसे भक्त को नहीं देखा जो पत्थर पर चढ़ के
गंगा जी के किनारे भी खड़े होकर गंगा जी में नहीं उतर रहे हैं। तो यहाँ पे गंगा दर्शन मुख्य मार्ग है। आइए आइए और आइए चलते हैं यहाँ से। भागीरथी जी ने जहाँ पे तपस्या करी थी, माता को बुलाया था, वह स्थान ये रहा सामने है। जिला स्थल है जहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की और उनको प्रणाम करते हुए आइए आइए। और मेन मंदिर है जहाँ जहाँ माँ गंगा की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, बना हुआ है थीम यहाँ पे। और ये वो मंदिर हम लोग पहुँचने वाले हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे देखिए। और मुख्य मंदिर जो है माँ गंगा की यही है। और यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे थीम भी बना हुआ है। शिव जी माँ गंगा को बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं अपने जटा में धारने के लिए। और यहाँ पे भीड़ लगी है दर्शन के लिए। मुख्य मंदिर ये है माता रानी का। और ये पूरा कैंपस है, ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे नंदी देवता विराजमान है। भगवान शिव जी अंदर देख सकते हैं, यहाँ से दर्शन कर लीजिए। अंदर अलाउ नहीं है कैमरा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर माता रानी के मंदिर आ गए हैं गंगा जी के। और अभी काफ़ी भीड़ लगी है। फिलहाल आप मंदिर का दर्शन कीजिए बाहर से, और भीतर का तो वैसे अलाउ है नहीं अंदर कैमरा ले जाना, इसलिए मैं बाहर से आपको ये सारा दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है सामने, वो जो गुम्बद सी है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ एक चीज़ का ध्यान रखें, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लगा हुआ है कि ड्रोन नहीं उड़ाना है। यहाँ पे बोर्ड लगा है, ड्रोन प्रोहिबिटेड है यहाँ पे उड़ाना। ये गंगोत्री में जो भी आता है गंगा जी में, आपको भी पता है कि गंगा जी में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मान्यता के अनुसार यहाँ पे गंगा जी में ही अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित और काफी लोग आके यहाँ पर किया जाता है, पितृ अर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, मान भाव किया जाता है कि स्नान करते समय अपने सामान की स्वयं आज की लाइन देखिए जरा कितनी लंबी है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे 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 करते हुए और काफ़ी दूर वहाँ जाके मंदिर है। जब मैं आया था सवेरे यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप भीड़ देख रहे हैं आंखों के सामने है। और आज गंगा सप्तमी भी है, इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ है। और जितनी गाड़ियाँ होती हैं टूरिस्ट गाड़ियाँ, वो दिन में ही पहुँचती हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। और आज तो भीड़ का कुछ कहना ही नहीं है, इतनी भीड़ है आज।
आज दर्शन के लिए, और यही रास्ता है जो मेन मंदिर मुख्य मंदिर जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वैसे तीन चार बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है, बट फिलहाल तो बहुत ज़्यादा है। अभी वापस हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अपना थोड़ा सामान वामान एडजस्ट कर लेंगे। और काफ़ी लोग थे उस समय, और लाइन में लग लग के यहाँ तक पहुँच ही गए, और माँ गंगा के अब दर्शन होंगे। मेन हम लोग मुख्य मंदिर में आगे बढ़ रहे हैं लाइन में, और दोनों तरफ से पुलिस का जहाँ तहाँ पहरा भी है, वहाँ देख सकते हैं आप, और इधर भी अच्छा है हिसाब किताब। तो लाइन में लग के ही आप आ सकते हैं। आज असल में गंगा सप्तमी थी, माता गंगा जी की जन्मदिन आज थी, यहाँ मनाते हैं गंगोत्री में, तो इस कारण बहुत ज़्यादा भीड़ था। काफ़ी देर से नंबर आया, लेकिन फाइनली नंबर आ गया। दिन के करीबन 3 बज रहे हैं, और हम लोग माँ गंगा के अब दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा दर्शन करने के बाद पूरी हो जाएगी, और यहाँ से फिर हम लोग होटल जाएंगे, आराम करेंगे, और कल सवेरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जैसे बाकी जगह मार्केट होता है, यहाँ पर भी है गंगोत्री का मार्केट। मतलब काम की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत खूबसूरत मार्केट है। तो यहाँ आप जैसे उलन कपड़ा भूल जाते हैं घर पे, ठंडी तो होती ही है, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, इस तरीके का सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पे पोर्टर्स मिल जाते हैं, गाइड्स मिल जाते हैं आपको, जो गौमुख लेके जाते हैं, और सब कुछ ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा अच्छा खासा मार्केट है, बट साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है।